हमें श्रीदा शाह आपको करके दिखा रही है, एक टांग पे बैठना है, ये योगा की एक जबरदस्त एक स्टेप है। और उस्मान बुलर साहब भी आपके सामने नाकाम कोशिश कर रहे हैं और ये देखें स्टार्टिंग में आप स्पोर्ट्स से करते हैं। उस्मान साहब जी, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। और आज हमारे साथ एक मैम है और ये क्या करते हैं ये आपको उस्मान बुलर साहब बताएंगे। VCL जिम में हम मौजूद हैं और VCL जिम के अंदर एक नई एंट्री हुई है योगा टीचर की, तो ये योगा सिखाती हैं और प्रोफेशनली सिखाती आ रही हैं। इनसे पूछते हैं ये कहाँ कहाँ लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं और अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो VCL में आ सकते हैं। अलैकुम जी, मेरा नाम फरीदा शाह है, मैं पिछले 12 साल से लाहौर जिमखाना हेल्थ क्लब में करवा रही हूँ एज अ योगा कोच, सीनियर योगा कोच हूँ अब मैं वहाँ पर। और मैंने बाकायदा पहले इसको ट्रेनिंग ली है, इसकी 3 साल तक इसको सीखा है और आई एम ग्रेजुएट इन योगा एंड सुख चैन वेलनेस क्लब में भी मेरी क्लासेज होती हैं। लोगों ने आज तक मूवीज के अंदर देखा है कि वो लोग योगा करते हैं, ध्यान के अंदर जाते हैं, वो रेड कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, गंजे भी होते हैं। और यहाँ पे एक लेडीज हैं, आपने टिंड क्यों नहीं करवाई? सॉरी, ये इट्स अप टू यू कि आप क्या लाइक करते हैं। योगा का किसी कपड़ों से बेसिकली ये है कि कंफर्टेबल ड्रेस आपका होना चाहिए कि जिसमें आप मूव्स कर सकें, आप स्ट्रेचेस कर सकें कंफर्टेबल ड्रेस में। योगा का ड्रेस लाइक जैसे जिम करते हैं आप तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल ड्रेस में करते हैं आप, तो योगा का किसी गंजेपन से या ड्रेसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप ध्यान में बैठते हैं। योगा बेसिकली Yes. जितने भी लोग योगा को हवाले से जानते हैं वो ये सोचते हैं कि ये वेट को कम करने के लिए है, लेकिन मैंने सुना है कि ये माइंड को रिलैक्स करने के लिए है और आप इससे वेट गेन भी कर सकते हैं। वो यस यस, देखें ये हर चीज में होता है, वेट गेन आप जिम में भी कर सकते हैं, वहां पे वेट लूज भी होता है, वेट गेन भी होता है। जो अंडर वेट बच्चे आते हैं जो ज्वाइन करते हैं उनको वेट गेन करने की जरूरत होती है जो पूरी डाइट, तो योगा में भी वो ऑब्वियसली वो वर्कआउट है, एक लाइफ स्टाइल है योगा जो है। योगा स्पेसिफिक सर्टन चीज का नाम नहीं है। मैं सुबह सुबह जाता हूँ जी, जैसे मॉलटाउन पार्क, नवाशी पार्क में, तो वहाँ बाबे ऊंची ऊंची हंस रहे होते हैं, वो लगता है कि ये पागल हो गए हैं, तालियां भी मार रहे होते हैं, जीप जीप कवाल बैठे हैं सारे, वो जिस तरह बैठ के वो क्लाइपिंग कर रहे होते हैं ना, वो तो कुछ योगा का कुछ जुज है, लेकिन मेरे जैसे लोग समझते हैं कि शायद कवाल ने बैठे सारे। नहीं नहीं, क्वाल नहीं, बेसिकली लाफ्टर भी है, जैसे हम हंस रहे हैं तो ये दिस इज पार्ट ऑफ मेन थिंग है कि जब आप लाफ्टर करते हैं आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है स्टमक के, हमें आप लाफ्टर वाला सिखाएं, हम दोनों सीखना चाहते हैं। रियली? अच्छा, उसमें लाफ्टर में वैसे भी जब आप हंसते हैं तो आप सारे अपने स्ट्रेसेस वगैरह ये वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो योगा में ये एक स्पेसिफिक है, जैसे आपने अभी ध्यान का जिक्र किया, तो ध्यान में जब आप बैठते हैं तो आपने अपनी ब्रीदिंग को खुद को इंटरनली फील करना होता है, बेसिकली वो आपकी अपने आप के साथ मुलाकात होती है ध्यान में बैठ के, ठीक है जी, आईज क्लोज करके। यस, उसी तरह लाफ्टर है,
कि जब आप हंसते हैं थोड़ी देर तो आप वैसे बनावटी भी अगर मतलब फेक हंसी भी निकालेंगे वो नेचुरली फिर आप हंसना शुरू कर देते हैं, तो वो आप खुद फील करें कि आपकी फीलिंग कितनी अच्छी उसमें हो जाती है और कितना चेंज हो जाते हैं वो मेंटली आप, तो वो एक मेंटली ट्रीटमेंट है आपका लाफ्टर जो, और आपके फेशियल मूव भी है लाफ्टर में आता है। असल में मुझे थोड़ा सा गाने का भी शौक है तो हमारे पास, अब वो बात छोड़े हैं अभी, अभी पहले हमने लाफ्टर तो सीखा, मैंने वो देखा तो पहले हमने लाफ्टर वाला बताएं, हां करें लाफ्टर, चलिए बताएं कैसे करना है हमने। अच्छा लाफ्टर में ये है कि पहले तो आपने फेक हंसी हंसनी होती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि खान बाबा हैं हम उन पे लाफ्टर करते हैं अक्सर, उनको देख के फोम बाबा मैं तो उनको कहती हूँ वैसे, हां जी, तो मैं उनकी वीडियो देख, मैं उनका फॉलोअर हूं, उनके बारे में मैं उनकी तरफ से आता हूं हमेशा। अच्छा जी, ओ वाह, फिर तो मुझे आप पे भी हंसी आ रही है, लाफ्टर तो हो गया ना फिर। हाँ जी लाफ्टर मतलब जैसे खान बाबा सामने आते हैं उनको देख के पता चल जाता है कि ये फोम बाबा है, तो ऑटोमेटिकली हंसी आती है, तो उसी को आपने उसमें ले जाए कि आप अपने फेशियल मूव्स और लाइफ के स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए आप, हमने भी करना। अच्छा ठीक है, फॉलो मी, आपने जैसे अब खान बाबा सामने है नहीं, फर्ज करें ये खान बाबा है, हम इनको देख के हंसेंगे, खान बाबा कैसे पेंकेगा, ये कैसे पेंकेगा, ऐसे उठाएगा और ऐसे पेंकेगा भालू को, भालू को इसके लिए जरूरी है मुझे अकेले पर भी साथ दे चाहिए, वो तो फोम बाबा, फोम बाबा, फोम बाबा, नॉट खान बाबा रियली नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा जिंदगी में कि आप शलवार के बीच पैक होके रेसलिंग कर रहे हैं, तीनों मिलके एक दफा सेंगे ऊंची सा, हां बिल्कुल, 1 2 3 गो, ये चलो जी आगे। अब आपको हंस के कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, खुल गई, लाइट खुल गई, आपका फेस लाइट हो गया, बेली स्टमक में भी फीलिंग लाल हो गया लाल भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो समझ आ गई, तो आप फीमेल हैं तो हमारे ख्याल में तो सिर्फ औरतें हांडी के शंडी पका सकती हैं, तो आप, मैंने भी आपको देखा है यहाँ पे योगा करते हुए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, हमारे लिए ये नई चीज़ है, अदर्स कंट्री में होंगी और करती होंगी लेडीज़, लेकिन मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है, तो आप बाकी घर के काम भी करती हैं, सिर्फ यही करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी मॉर्निंग में 2 से 3 क्लासेस होती हैं, अर्ली मॉर्निंग होती है 6 से 7, ठीक है, उसके बाद मेरी 9:30 से 10:30 होती है, फिर उसके बाद दोपहर को मैं घर में होती हूँ, उसके बाद फिर मेरी इवनिंग में क्लासेज होती हैं, और जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि हांडी रोटी करती हैं लेडीज़, ये 21वीं सदी में आप एंटर हो चुके हैं, ठीक है, और अब पाकिस्तान बहुत और ख़ास तौर पर लाहौर में लोगों को बड़ा, हाँ जी बंदे करते हैं, यस ठीक है, तो योगा को बड़े लोगों ने ज्वाइन किया, आप देखिए आप तो यहाँ पे इतना कॉमन हो गया, लोग यूट्यूब से, हमने तो ट्रेनर्स के पास इतना टाइम लगाया, सालों लगाए सीखने पे, जब हमने शुरू किया तो तब बड़ा रेयर में था, ठीक है, मैं बाहर तक गई इसको सीखने के लिए, ठीक है, नेपाल एकेडमी से मैंने सर्टिफिकेशन लिया, हो गया आपको मतलब ये करते हैं, मैं 2007 से रेगुलर कर रही हूं, 13 साल 14 साल हो गया, यस मैं रेगुलर हूं इस फील्ड में। अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत बड़ी मूवी है, बहुत मशहूर है, हर बंदे ने देखी है, कराटे किड, कराटे किड के अंदर वो एक जगह पे जाके अटक जाता है, वहां से आगे फाइट सीख नहीं पा रहा होता, तो उसका जो कोच है जैकी चैन, वो उसको एक पहाड़ की चोटी पे लेके जाता है, और वहां पे वो लोग होते हैं जो योगा करने वाले होते हैं, वहां पे एक बंदा स्नेक के साथ एक मूव कर रहा होता है, तो वो बच्चा देख रहा होता है, वो स्नेक के साथ एक मूव कर रहा होता है ऐसे करके स्नेक वाले स्टाइल में, तो वो बच्चा एंड के ऊपर वही मूव करके उसको एंड पे हराता है, कोबरा वो कर रहा होता है स्नेक वाला जो आप बता रहे हैं, तो ये क्या कराटे के अंदर इसको ऐड किया जाता है? बिल्कुल ऐड किया जाता है, कराटे में ये है कि जब आप स्ट्रेचेस करते हैं, आप किक करते हैं, आपने बॉक्सिंग में जिस तरह आप हाथों से आप अगले को मारते हैं, ठीक है, और किक करते हैं, तो योगा में फ्लेक्सिबिलिटी आप में इतनी हो जाती है कि ये सब कहीं ना कहीं जाके सारे वर्कआउट मिल जाते हैं। एक चीज और पूछनी है कि जैसे कि वो दिखाते हैं योगा कर रहा है बंदा और उसके आगे से मक्खी गुजर रही है, तो वो मक्खी स्लो मोशन गुजर रही होती है, क्या लाइफ में ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं होता, वो वैसे दिखाने के लिए दिखाते हैं, योगा बेसिकली ये है कि आपको पॉजिटिव कर देता है, नहीं पॉजिटिव करता है आपको, मतलब नेगेटिविटी जितनी भी है उसको रिमूव करता है, योगा इज़ अ बेसिकली लाइफस्टाइल, कि योगा आपको बताता है आपकी लाइफ में आपने मतलब नॉर्मल, जैसे हम इस्लाम बींग इस्लामिक बींग मुस्लिम हम कहते हैं कि अल्लाह की रजा पर राजी रहे, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो हम नमाज पढ़ते हैं वो सारा योगा है? उसमें देखे ना आप कितने मूव्स करते हैं उसमें,
स्ट्रेट सबसे पहले खड़े होते हैं, हम सबसे पहले जो सूर्य नमस्कार करते हैं वो खैर हिंदी नेम है उसके, नाम कोई भी, जैसे मैंने इंग्लिश में सीखा है तो मुझे सारे नाम इंग्लिश में आते हैं उसके। हिंदू हैं जो बार बार हिंदुओं की बातें कर रही हैं। नहीं, योगा बेसिकली उन्होंने सबसे पहले अपनाया। यहाँ हमारे पाकिस्तान में बड़ा वो मिसकंसेप्शन है कि लोग इसको समझते हैं कि योगा हिंदुओं से रिलेटेड है। यस, और हमारा दिमाग जमीन के साथ लगता है और वो वेव्स कहते हैं कि वो दिमाग के अंदर से निकलती हैं, वो सब कुछ रिलैक्स होने के लिए है। तो उस दौर में अल्लाह ताला ने इंसान को बता दिया कि तुमने अपने आप को इस तरह 5 दफा दिन के अंदर रिलैक्स करना है। बिल्कुल, देखिए जब आप 5 बार नमाज पढ़ेंगे ना तो वो योगा है, वो एक्सरसाइजेज है बेसिकली। तो हमें मेंटली पीसफुल रहने के लिए कह दिया नमाज है, सवाब है। अल्लाह पाक को क्या है आप नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, ये तो आपके अपने लिए है, ठीक है। और वो बेसिकली योगा के मूव्स ही हैं, आपने नाम उसको दे दिया। नहीं, नमाज तो फिर अल्लाह ताला को याद करने के लिए भी है। वो बीइंग मुस्लिम हम इसीलिए, यस, ये वही चीज आ गई ना, वही चीज आ गई। मैम हमें बता रही थी कि जब आप वो क्या कह रही हैं, किस में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो वो भी वही सिर्फ अपने अपने से मुलाकात, और जब आप अल्लाह से मुलाकात करते हैं तो वो भी आप और अल्लाह की जात है, उसमें से दुनिया निकल जाती, दुनिया निकल जाती है, तो वो भी मेंटली तौर पे बंदा सुकून में आता है। चलो आते हैं योगा की तरफ, तो वापस योगा की तरफ आते हैं और आप हमें कोई मूव्स करके दिखाएं जो हम आपके साथ करें। नहीं, मैंने तो कराला पैसे नहीं, मैं नहीं करना, करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। देखो जी, मैं आपको पता है कि जरा मेरा किसी और शोबे से भी ताल्लुक है। देखिए आप और, जो है आपका इतना फॉर्म आपने पहना है तो आप देखते अभी 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 हमारे अंदर का खान बाबा जिंदा मत करो, मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी इधर अभी इधर पाइट हो जाएगा, इधर पाइट होगा, फिर तुमको पता है ना खान बाबा उठा उठा के पटकती पटकती बंदों को पटकती नहीं पटकती। हम इधर योगा करेगी, हमारे यहाँ लोग ये समझते कि शायद ये कोई मजहबी इबादत है, वो जो बुद्ध मत के जो लोग बुद्ध मत के वो गंजे, इसलिए सुमान भाई कह रहे थे कि आपने टेंट क्यों नहीं करवाई। तो अच्छा, एक तो वो उनकी इबादत है ये भी, वो अपना सुबह उठ के जब वो विष्णु को याद करते हैं तो वो शायद वो उनका भी स्टाइल होता है। विष्णु को याद नहीं करते बेसिकली, बुद्धा ने इसको स्टार्ट किया था और वो ध्यान में ज्यादा देर बैठते थे। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब जैसे हम दुआ करते हैं, आप जितनी लंबी भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने अल्लाह पाक के साथ बातचीत करनी है, आपकी अपनी मर्जी, तो वो ध्यान भी इसी तरह से है। तो बुद्धा ने इसको स्टार्ट किया तो इसलिए वो ध्यान लगा के मिलती जुलती है, और कई इस्लामी जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बुद्धा की तारीफ की है कि बुद्धा ने अपने ध्यान के अंदर जो खाना पानी था, जो उसने अपना व्रत रोजा जो भी रखा, वो ऐसा था कि वो एक चावल का दाना खाता था और पानी पीता था, चिल्ला करता था जिस तरह हमारे बाबे भी करते। और उसने सबसे पहले मुतारफ कराया कि कैसे आपने अपने अंदर की फैट खानी है। ये मेमल है, हम इंसान तो प्रूफ कर रही है, इंसान जो है इंसान मेमल है। तो आप देखेंगे एक भालू 6 महीने खाना खाता, 6 महीने गार में गुजारता है सो के, तो 6 महीने वो कुछ नहीं खाता, मर जाएगा नहीं, वो अपने बॉडी की फैट को खाता है। बुद्धा ने उस चीज को पकड़ा था और बुद्धा उस चीज में एक्सट्रीम पे चला गया था। और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज आप कर रही थी अभी, तो ये तकरीबन हर एक्सरसाइज में लगता है जैसे किसी ने किसी जानवर से अडॉप्ट की गई है, तकरीबन हर एक्सरसाइज इस टाइप का कोई ना कोई जानवर कर रहा होता है, क्या मैंने ठीक समझा? ये ठीक समझा है, एनिमल्स नेम भी हैं, क्योंकि एनिमल को आपने देखा होगा कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, आपने डॉग को देखा, कैट को देखा, इवन लायन शेर जो इन्होंने पाले भी, चीता आपने देखा होगा, उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और कैसे छलांग वो लगाते हैं, तो कितनी मूव्स, इसलिए वो जस्ट नाम उनके रखे हुए हैं कि इंसान थोड़ा सा सीखे कि हम मूव करते हैं, वो जस्ट नाम रखे हुए हैं उसका, ये नहीं है कि किसी मजहब से या किसी ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो जानवर कर रहा है तो उसको तो अल्लाह ने सिखा के भेजा है ना, अगर वो जानवर कर रहा है, मैंने देखा वो जो लोग कराटे खेलते हैं ना तो बेशुमार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो किसी जानवर की आवाजें निकालते हैं, उन्होंने जानवरों से सीखा और जानवरों को रब ने सिखाया है। तो ये तो मतलब हम नहीं कह सकते किसी क्रिश्चियन ने किया है या किसी और मतलब के लोगों ने किया, नहीं नहीं, मजहब से जोड़ना ही नहीं चाहिए मेरे, नहीं नहीं जोड़ना चाहिए। आप देखें, आप कभी जिसने जानवर पाले उसको पता होता है कि सुबह उठ के वो कैसे अंगड़ाई लेते हैं, मुंह खोलते हैं, सांस लेते हैं, वो मतलब आंख उनकी खुलती है तो उठते ही वो कैसे करते हैं, वो बेसिकली अपनी बॉडी को खोल रहे हैं, तो वो मूव्स उनके जो है नाम रखने के लिए एनिमल्स। और मैं और उस्मान भाई आपको आज मिस फरीदा शाह के साथ आपको योगा करके दिखाएंगे, एवे नहीं हम एंकर बन गए, कोई बात है हमें। गैस जैसा कि पहले हमने आपको मूव्स दिखाए, एक्सरसाइज दिखाई, पूरे योगा में बेंडिंग ये वो एक्सरसाइज पूरा, सूर्य नमस्कार, बैक बेंडिंग, उसमें हमने ब्रिज किया, स्टैंडिंग पोस्चर, बैलेंसिंग किया, अब हम उसके बाद मेडिटेशन करते हैं। योगा का वाइंड अप हमेशा मेडिटेशन पे होता है जिसको उर्दू में ध्यान कहते हैं, तो अब हम ध्यान लगाएंगे खुद पे, ज़रा अपने आप के साथ मुलाकात करने के लिए इंटर
इंटरनल खुद को फील करने के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स, अपने हार्ट माइंड पूरी अपनी फीलिंग को फील करने के लिए आइज क्लोज करके हम मेडिटेशन करेंगे. नाउ स्टार्ट गाइज. स्ट्रेट योर बैक, नेक न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल ऑल्सो, एंड क्लोज योर आइज. जस्ट फील योर ब्रीदिंग. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा जी, जबरदस्त, एक अच्छी फीलिंग आ रही है. थैंक यू. आपको? जब आपने कहा ना हैप्पीनेस फील करें तो तब मुझे लगा मैंने क्लेशन पकड़ी है और शिकार खेल लूं. आपकी हैप्पीनेस वही है? ये 5 किलो गोश्त खा के हैप्पीनेस फील करते हैं. रियली? अच्छा ऐसा. अच्छा ये बेसिकली ये जो योगा है ये रिलैक्स, हम लोग आप रूटीन में जो वर्सियां हम सुनते हैं ना, लोग वर्जिश करते हैं वो इसलिए लोग समझते हैं कि खुद को मजबूत करने के लिए. रूटीन में हम लोग आज तक जो हमारा माइंडसेट था वर्जिश के बारे में कि लोग इसलिए करते हैं कि खुद को मजबूत करें, छाती चौड़ी करें और डंड छंड बनाने के लिए, लेकिन ये वर्जिश बेसिकली खुद को फ्लेक्सिबल करने के लिए, खुद को सॉफ्ट करने के लिए मेरा ख्याल है. फ्लेक्सिबल करने के लिए और हर चीज़ को, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत कम है. लाइक जैसे खान बाबा हैं वो तो एक जोक में हम कह लेते हैं, ठीक है. जैसे उस्मान बुलेट साहब हैं, अगर वो एनर्जेटिक हैं, कोई बंदा उठ के उनके साथ जेलस फील कराने के लिए कि चले आएँ जी मैं ये हूँ, मैं फेक नज़र आता है, तो दैट इज़ नॉट रियलिटी, ठीक है. योगा आपको रियलिटी के बेसिकली करीब करता है और एक्सेप्टेंस आप में लाता है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, दूसरों को कबूल कर सकें, जो हमारे अंदर बहुत कम स्टेमिना होता है. ये आपके स्टेमिने को बिल्ड करता है बेसिकली और आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है मेंटली भी और फिजिकली भी. अच्छा पाकिस्तान में आप क्या देख रही हैं कि आप एक फीमेल होके टीच भी कर रही हैं और खुद प्रैक्टिकल भी करती हैं, आपके ख्याल में और भी लेडीज़ को और औरतों को इस तरफ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए. जैसे अभी स्ट्रेसफुल आजकल जैसे वायरस भी आया हुआ है, कोविड से सब ने टॉलरेट उसको किया और कर रहे हैं, हम चाहते ना चाहते वो उसको कर रहे हैं क्योंकि हम उसको, हम उसमें जो है बेबस हैं. तो जिसमें आपकी बेबसी हो फिर उसको आप यूटिलाइज करना सीखते हैं कि जैसे फारग रह के कुछ लोग स्ट्रेस में चले गए, बाकायदा एनजाइटी में चले गए, तो योगा करने से आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं. और हर फीमेल्स को ज़्यादातर खास तौर पे मैं सजेस्ट करूँगी कि उनको करना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक फैमिली को लेके चलना होता है. अगर वो हेल्दी होंगी तो आपका पूरा खानदान, पूरा घर जो है खुश रहेगा. और पूछना चाह रहा हूँ, आपकी एक तस्वीर लगी हुई थी आज जिसमें आप एक टांग के ऊपर बैठी हुई हैं, वो वाला मूव अगर हमें करके दिखा दें. वो बहुत मुश्किल मूव है पर मैं चाहता हूँ कि वो एक दफा दिखा दे. अच्छा वो तब का है जब हम नेपाल एकेडमी में थे, आपने शायद गौर नहीं किया, जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने गई हुई थी वो वहाँ पे हमने मूव किया था. मैं एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना जब, तो मेरे मेंबर्स जो हैं पुराने जो मेरे साथ हैं रिलेटेड उनको पता था, मैंने प्रैक्टिस छोड़ी हुई थी, अभी दोबारा मैंने रिस्टार्ट किया है तो उनके साथ एसोसिएशन, लेकिन आई कैन डू दैट इफ यू वांट. हां मैं भी करूंगा आपके साथ. ओके डन. तो नाउ बी रेडी. देखो नजरी हमें श्रीदा शाह आपको करके दिखा रही है, एक टांग पे बैठना का ये योगा की एक जबरदस्ती एक स्टेप है. और उस्मान बुलर साहब भी आपके सामने नाकाम कोशिश कर रहे हैं है? और ये देखें स्टार्टिंग में आप स्पोर्ट से करते हैं. उस्मान साहब
मैं जिमखाना में करवा रही हूँ पिछले 12 साल से जी। तो मेरा रब्ता हुआ उस्मान बुलेट साहब से, ये मेरे दोस्त हैं। यूट्यूब पे मैंने इनकी वीडियोस देखी और मैं इनकी फॉलोअर भी हूँ, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे VCL में। मैंने यहाँ पे आके देखा, बहुत अच्छा माहौल मुझे मिला और यहाँ पे कोचेज़ ट्रेनर बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैंने सोचा मैं भी इसको ज्वाइन करती हूँ, कुछ बॉक्सिंग वगैरह बुलेट साहब से, और इनके फॉलोअर होने के नाते मैंने कहा मैं भी कुछ सीखूँ कुछ प्रोफेशन से हट के, क्योंकि मैं मेरी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा योगा में है। तो यहाँ पे आके मैं बॉक्सिंग और दूसरे स्ट्रेचेज जो जिम के हवाले से हैं, मशीनें वगैरह, वो मैंने यहाँ पे आके की और मुझे बहुत ज़बरदस्त माहौल लगा यहाँ का। और सेकंड थिंग इज़ दिस कि अगर कोई योगा करना चाहता है स्पेशली मुझसे, तो वो यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। VCL में मैं हूँ आजकल, तो आप यहाँ पे आएँ और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, और अच्छे ट्रेनर हैं, सीखे हुए हैं लाइक मी। अच्छा उस्मान भाई, आप जरा ना VCL का कंप्लीट एड्रेस लोगों को बता दें, जो मैडम को ज्वाइन करना चाहें उनके लिए आसानी हो जाए। VCL जी ये फैसल टाउन और मॉल टाउन के सेंटर में है, एक इंटरनेशनल मार्केट, और इसमें सेकंड फ्लोर के ऊपर VCL है। ये एक कनाल में जिम बना हुआ है, इसमें एक साइड पे जो बॉक्सिंग के वो बाइक शेक लगे हुए हैं, एक रिंग लगा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे साइकिल्स हैं, ट्रेडमिल्स हैं, और बहुत ज़्यादा मशीनरी है बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे आ सकता है, VCL का पेज भी है। सेकंड ये भी है, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी उस्मान साहब की, कि VCL में काफ़ी अच्छी और लेटेस्ट मशीनरी है, और यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो भी सीखे हुए हैं बाकायदा और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं आपको। मैं भी कहूँगी, मेरी भी सजेशन है कि आप ज़रूर ज्वाइन करें इसको, और अगर आप चाहें योगा करना तो मैं भी हूँ, और आप योगा के लिए भी आएँ, वेलकम। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, एक कोच है आपके इसके ग्रैपलिंग के और बॉक्सिंग के लिए, उसामा ने तकरीबन 46 फाइट्स लड़ी हैं, जिसमें से एक फाइट वो हारे हैं, बाकी सारी उन्होंने विन की हैं। तो इस तरह का कोच आपको मिल जाए और क्या चाहिए। बैठ के आपको ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो किस तरह कर सकती हैं? वो मेरे साथ कांटेक्ट करके, मेरी ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, जैसे पिछले दिनों जिम आपको पता है क्लब्स बंद थे, तो जूम क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो कांटेक्ट करके हाँ बिल्कुल मिल सकती हैं और वो पर्सनल सेशन ले सकते। आप इंटरव्यू देखा आपने, इससे पहले हमने पूरा एक सेशन किया है, आप उनको भी फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल वगैरह है ये इनका, उस्मान साहब का, अब हम मिलके करने जा रहे हैं उसको, कि हम योगा को बाकायदा A to Z उस पर करेंगे, तो वो भी आप हमें फॉलो कर सकती हैं उसके ऊपर। हाँ तो देखा नदीन आपने कि योगा तो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल में, आज के दौर में जब हर बंदा बहुत ज़्यादा हम फैट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और जंक फूड का इस्तेमाल हो रहा है, हर बंदा बीमार है। जैसे ही बंदा 30वां साल क्रॉस करता है तो पता चलता है उसको शुगर होगी, उसको यूरिक एसिड है, उसको खुदा ना खास उसके वेंस ब्लॉक हो गई। कि जैसे आजकल हम जिक्र करते हैं कि यार वो कल तो तेरी सालगिरह गुजरी सी, फिर आ गई है। इतने तेज दौर के अंदर अपनी जिंदगी को स्लो करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि योगा बंदे को स्लो करता है और उसकी लाइफ को स्लो करता है। तो मैं ठीक कह रहा हूँ, मैडम बताएंगी। नहीं, दूसरी ये बात भी है कि योगा के लिए कोई एज का जो है वो इशू नहीं है। योगा 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक का आदमी या औरत कर सकते हैं। इवन यहाँ पे 100+ लोग जो हैं वो भी योगा कर रहे हैं। मेरा ख्याल 100+ हो गई वो जो योगा करेगा, मेरा ख्याल। बिल्कुल एग्जैक्टली, और आप लाइफ को इंजॉय करते हुए 100+ होते हैं, ये नहीं है कि आप बीमारियों में घिरे हुए हों। इसी के साथ उस्मान बुलेट को इजाजत दें और अमीन राजा को इजाजत दें। अल्लाह।